everyone, welcome to IFS platform. Dear aspirants, तो CSIR का result आ गया है and आज मैं आपको introduce करवा रही हूँ one of our CSIR qualified student, that is आदित्य बेजलवार. Hello आदित्य, how are you? Means अभी तो आप 9th cloud पे हो गए, result जो आ गया है definitely बहुत खुशी हो रही होगी. तो dear aspirants, ये session किस लिए है आपके लिए? कि देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गोल को सेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं. और किस तरह से अचीव कर सकते हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं. यस आदित्य, तो आदित्य अगर मैं बात करती हूँ तो आप क्या बचपन से बहुत ही ज्यादा शार्प थे जो आपने सोचा मैं CSIR नाइट वगैरह करता हूँ? हमारे एक सर थे आकाश बगाड़े, उन्होंने मुझे कहा था कि IFS में ज्वाइन कर लो अगर तुमको पहले सजेस्ट IFS का ही नाम किया, बाकी कोई बोले कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ चले जाओ. मुझे लगा नहीं कि मैं कोई क्लास में हूँ. यहाँ पर सब इतने फ्रेंडली थे, सर हो मैम हो, उन्होंने कभी ऐसा जताया नहीं कि हम लोग हमारे टीचर्स हैं. मतलब कि आपको एक डायरेक्शन मिला, उस डायरेक्शन को आपने लिया, समझा कि अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो इस तरह से मैं जाता हूँ. आपने आपके जो गाइड थे, जो सर थे, उनकी बात सुनी एंड यू आर लाइक हैप्पी कि मैंने उनकी बात सुनी. यस, तो देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो एग्जाम एक जर्नी होती है, ना सिर्फ एक टारगेट, एक जर्नी होती है जिसमें आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहते हैं, फैमिली इन्वॉल्व रहती है, और ऑल इंडिया रैंक 113 भी लाना इज लाइक रियली अचीवेबल जॉब, कमेंडेबल जॉब. तो हार्टिस कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. तो इस जर्नी में अगर मैं बात कर रही हूँ, इस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा किस चीज में डिफिकल्टी लगी? डिफिकल्टी लगी पढ़ाई करना. अच्छा, लिटरली, क्योंकि मैं खुद मुझे मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता. अच्छा, पर जब लोग पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, लगता है कि हम नेशनल ज्योग्राफी देख रहे हैं. अच्छा, दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन लाइक अरे तो ऐसे हो जाएगी. मुझे काफी मजा आता था पढ़ने में, मतलब पढ़ाई से ज्यादा मुझे लेक्चर अटेंड करने में ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं समझ पाता था ना, सर मैम जो भी पढ़ाते थे बोलने से समझ में आता था. ये तो सही बात है कि एक ह्यूमन प्रेजेंस हमें बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ सिखा देते हैं. राइट, तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो जैसे आपने ऑफलाइन में पढ़ा था, तो कब ज्वाइन किया था आपने? लास्ट ईयर अगस्त. मतलब 1 year में you have scored really good. तो अभी upcoming 26 September को जो महाराष्ट्र सेट का examination होगा उसको भी आप target कर ही रहे होंगे. बिल्कुल target करिए और हमें उम्मीद है कि निकलेगा ही निकलेगा वो. And अब तो ये है कि एक happy news आई है, सब आती जाएगी एक के बाद एक, because जो first result रहता है उस पर जो patience रखना रहता है वो बहुत important हो जाता है और कभी कभी challenging भी हो जाता है. Right, तो अगर मैं बात करी हूँ तो कोई एक ऐसा moment class में जो आपको worth remembering रहे, क्लास में जो बहुत ही अच्छा लगे आपको, और आप कभी भी आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहे, कभी भी उस मोमेंट को भूले ना, जो आपने यहाँ पे फील करा है, जो भी 6 to 8 months का टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया. तो यही कहूँगा कि नेचर जो भी टीचर्स उसी टाइप का मुझे नेचर रखना है. अपने स्टूडेंट्स जो होंगे मेरे स्टूडेंट्स जैसे मेरे साथ यहाँ बिहेव हुआ है वैसे बिहेवियर में उनके साथ दिखाना. बिल्कुल, और जो अभी घर पे बैठे हैं आपको देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम भी इस तरह से क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज? बस यहाँ पे आ जाओ, हो जाएगा. अच्छा, बस यहाँ पे आ जाओ, हो जाएगा. पुणे आ जाओ या जोधपुर आ जाओ, चलेगा. पुणे अच्छा है क्योंकि मैंने पुणे अच्छा है. तो कहीं भी मतलब लाइक ऑफलाइन एक एनवायरनमेंट देता है आपको, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की स्पिरिट देता है ना. जब आपका रूममेट जल्दी उठ जा रहा था, आप नहीं उठ पा रहे थे, तो एक वो रहता है कि हमें भी करना है. जब हमारे सामने वाला 4 to 5 घंटे पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं.
वही तो एक वो मतलब कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है आपको वन टू वन डाउट्स। मुझे याद है आदित्य रात के 10 बजे भी डाउट पूछने आ जाता था हमसे कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है अभी ये बता दो। दादा सर तो इसे निकालते थे कि चलो चलो अब लाइब्रेरी बंद होने वाली है निकलो। तो ऐसी चीजें भी हमने देखी है। तो ये कुछ चीजें जो हम सिर्फ हमारे गोल को नहीं पाते, इस गोल को पाने के साथ साथ इसको एंजॉय करते हैं, है ना आदित्य। तो अगर मैं बात करूंगी तो तुम्हें कौन हमेशा मोटिवेट करता रहा, किसकी कंसिस्टेंसी रही, या तुम्हें लाइक स्टडीज के साथ साथ और क्या करना पसंद था? मोटिवेट किया दादा सर, वो मतलब हमेशा बोलते रहते थे कि उसे हो पाएगा। मैं बोला सर हाँ राइट राइट, इतना कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे नहीं था, दादा सर को मुझ पे। यस कॉन्फिडेंस जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली बात है वो के कारण मुझ में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हाँ अब नहीं होगा फिर आने लगा कि अब तो हो ही जाएगा। ओके हो ही जाएगा फिर वो कॉन्फिडेंस ही आगे जाके कुछ भी चीजें पसंद है जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल वेब सीरीज बहुत चलती है, तो ऐसा आपको कोई चीज जो इंक्लाइन करती है जो आप अपने लाइक बहुत पढ़ लिया है तो आप बोर हो गए थोड़ा सा एक ब्रेक टाइम चाहिए? मुझे वेब सीरीज जिसका कोई पावर नहीं होती, एक कंप्लीट फेलियर होता है। अच्छा लेकिन वो अपने शेयर हार्ड वर्क से वो अचीव कर लेता है, जो मतलब कंपटीशन उतर जाता है और वो डीप ऑफ टैलेंट है उसके साथ वो कंप्लीट करने लायक। तो वो मुझे काफी इंस्पायर करता था। ओके मतलब लाइक हां मतलब टिफिन खाते समय हमें जापानीज एनीमे में लगा देता है ऐसा था क्या? तो डेफिनेटली देखिए एक जर्नी देखी हमने एक पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। मतलब स्कूल से हमने सिर्फ एक बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, फिर हम कॉलेज में आए, फिर हमने बैचलर्स किया, फिर हमने मास्टर्स किया, तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। और इसमें कैसे छोटे छोटे पॉइंट टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं, किसी का सजेशन कैसे हमारे करियर को बना सकता है, किस तरह से हम राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, आज हमने आदित्य से ये बात तो जान ही ली है। तो आदित्य अगर मैं बात कर रही हूँ कि क्लासरूम कोचिंग जो है ना, तो हमें लगता होगा ना कि हमारे जो भी आसपास वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो कभी आपको प्रेशर फील नहीं हुआ इस चीज़ का? अडिंग होता था मैं मतलब कि प्रेशर को कोप अप कैसे करना है, ठीक है, एक हेल्दी वे में आप कैसे अपने आप को कूल काम रखकर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इवन अगर मैं बात करती हूँ तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और नोट्स को खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स की अलग ही बात होती है ना, अलग ही बात होती है उसमें कैसे। अब हम अगर मैं कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर रही हूँ तो हो सकता है कि मैं पंचायत को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस करूँ, हो सकता है आदित्य अगर कुछ एक्सप्रेस करे तो वो एनिमे को विद रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करे, है ना। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमारे एक ओवरऑल करियर को डायरेक्शन देती है। तो अब आपके हाथ में रिजल्ट है तो फर्दर क्या सोचा है आपने? उनका सेट कॉल पे हाँ जी यस ओके मतलब लाइक आगे चलकर डेफिनेटली पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल रहेंगे। अगर हम एक लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं तो हाउ यू विल रैंक योरसेल्फ राइट नाउ, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज टुवर्ड्स योर गोल? मैं समझता हूँ कि मैं अभी एवरेज हूँ। Yes, तो ये डेफिनेटली हम अपने बेस्ट के लिए तो टारगेट करेंगे ही करेंगे, हमारे गोल के लिए टारगेट करेंगे ही करेंगे। बट एक ये जो आपका 6 to 8 months यहाँ रहा, जो आपने बिल्डिंग अप करा, जो पढ़ा, जो कंज्यूम करा, जिस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, ना सिर्फ लाइक अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, रिजल्ट तो आया है, बट आदित्य वॉज रियली अ शाई पर्सन एंड राइट नाउ इज डिस्कसिंग विद मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो दिस इज द चेंज जो आया है, क्या मैं मान सकती हूँ पॉजिटिव चेंज आदित्य बहुत ज्यादा, है ना। तो लाइक ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखने मिलता है हमको, है ना, सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम आगे चलकर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करते हुए भी आना चाहिए, हमें अपने थॉट्स हैं, हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे आंसर्स हैं, सामने वाले को एक्सप्लेन करते हुए भी आना चाहिए। तो ये भी एक डेवलपमेंट देखा है, इसलिए आदित्य बोल सकते हैं कि अब मैं अबव एवरेज हूँ। डेफिनेटली आदित्य ऑल द बेस्ट। और एक कुछ लास्ट मोटिवेशनल वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? मोटिवेशनल वर्ड्स तो मैं
मैं एक कोट बोलना चाहूँगा। हाँ जी बिल्कुल। ब्रोकली का ही है। हाँ एनिमे। हाँ वो कुछ इस तरह था, अ हीरो इज नॉट द वन हु नेवर फॉल, यस ही इज द वन हु ऑलवेज गेट्स अप अगेन। यस सो अगर आप फेल होते हो इस एग्जाम में, हार मान के घर मत जाइए, रिट्राई कीजिए, फिर से रिट्राई करिए, जितने बार हो सके उतने बार कीजिए, कभी ना कभी सक्सेस मिल रहा है। यस यही बात है, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। एंड बोला भी जाता है ना, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे। चलिए तो इसी के साथ अभी टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। एंड डियर एस्पायरेंट्स, ध्यान रखिए, अगर ये कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।